पर बौद्ध विकास सामाजिक संस्था जो बुद्धिस्ट लोगों की संस्था है, यहाँ पर मैं उनका अध्यक्ष हूँ और यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। गौतम रामचंद्र गांगुड़े मेरा पूरा नाम है। और इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ पर गरीब नवाज कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ, हमारे नाजिम भाई है, हमारे डीके भाई है और हमारे सब जो यहाँ पर नौजवान है, वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्राम किए। जो अपने मोहल्ले में हम लोग हिंदू भाई रहेंदे हो, मुस्लिम भाई रहेंदे हो, बुद्धिस्ट भाई रहेंदे हो, सब मिलजुल के रहते, हर एक के त्यौहार में शामिल होकर एक दूसरे का मतलब हौसला बढ़ाते और प्यार मोहब्बत से इतने सालों से रहते और भी आगे हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए? ये प्रोग्राम के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि प्रोग्राम जो है किसी भी धर्म का रहें दो, लेकिन सब दूसरे एक दूसरे के प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए। सबका भगवान एक ही है। अब अल्लाह रहें दो, चाहे ईश्वर रहें दो, चाहे बुद्धिस्ट रहें दो, सब ऊपर एक ही है। अपन ही नीचे भगवान ने सब लोगों ने अलग अलग बनाए, लेकिन अपन इंसान है, इंसान सब लोग अपन मिलजुल के रहना चाहिए। जात पात सब अलग अपना रख के अपन प्यार मोहब्बत से कैसा रहना चाहिए और एक दूसरे के धर्म के बारे में अपन आदर निष्ठा रिस्पेक्ट रखना चाहिए। एक दूसरे के धर्म के बारे में अपन अच्छा मतलब हौसला रखना चाहिए और सबसे पहले हम इंडियन है, भारतीय, ये अपन पहला मतलब ध्यान में रखना चाहिए। अपना धर्म सब अपने अपना जगह पे, लेकिन हम सब इंडियन है, हमारे भारत माता की भूमि के से सबको अपना प्यार होना चाहिए और सब लोग हम लोग इकट्ठा कैसे रहेंगे और बाहर के जो भी आने वाले संकट है, हम लोग सब भाई लोग मिलकर उस संकट का मुकाबला करेंगे। इस द्वारा मैं ये संदेश अपने लोगों को देना चाहता हूँ। जैसा कि दर्शकों ने बहुत ही उत्साह किया, मनोरंजन हुआ, और यहाँ के जो सिंगर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे इरफान भाई के बारे में तो क्या कहना, क्योंकि लास्ट टाइम में जब मेरी पहली मुलाकात हो गई, वो अपने यहाँ पर आए थे शिरडी के साई बाबा के मतलब गीत गाने के लिए और उन्होंने मतलब अपना एरिया लिया था, वो बोले कि साई बाबा के इसके ऊपर हम लोग गाना गाने चाहते। मैंने दो दिन का उनको मतलब ये दिया, अपना जगह दे दिया, उन्होंने शूट किया, मेरे को दो चार दिन पे पहले दिखाए, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे यहाँ के जो मतलब ख्यातनाम गायक थे चंदू भाई, जो चंद्रकांत जी शिंदे नाम से कहलाते थे, उनके यहाँ पर उन्होंने गाना गाया चढ़ता सूरज धीरे, मेरे को इतना पसंद आया। मैं इरफान भाई को बोला, भाई आपका गाना इतना मेरे को अच्छा लगा, कभी आपको सुनने का मौका हमको मिले, ये बहुत मेरी मतलब हम लोग भाग्यशाली समझेंगे। और वो आज मौका मिला हमारे इरफान भाई को, मतलब और भी मतलब तरक्की दे, ऐसी भगवान के पास मैं दुआ करता हूँ। और हमारे इरफान भाई यहाँ के मतलब बहुत ही अच्छे सिंगर बने, अपने नित्यानंद नगर का नाम रोशन करें, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ये मेरे दो शब्द मैं पूरे। जैसा कि अभी सर ने बताया कि आपको बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, दर्शकों ने बहुत ही मनोरंजन किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, ये दूसरी तीसरी मरतबा मेरा यहाँ प्रोग्राम हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से ये लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं और इन लोगों की एकता पे मैं कुर्बान जाऊँ, ऐसी एकता, ये एकता तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, ये एकता हमेशा ऐसे ही रहे और यही चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर ये एकता हमेशा रहे। बिल्कुल जी, बस इसके साथ मैं चाहूँगा ये प्रोग्राम ऐसे कामयाब होता रहे और ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के ये प्रोग्राम करते रहें। बस हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में परिचय दें और इस प्रोग्राम में शामिल हुए आप, तो कैसा क्या कहना चाहेंगे? मैं सैयद गुलाम हुसैन अशरफी अंजुमन खादे माने मुस्तफ़ा ईद मिलादुन नबी कमेटी की सदारत करता हूं पूरे बम्बई में।
और आज ख्वाजा गरीब नवाज की छठी है। आज के दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए और इसी महीने की 13 तारीख को आपकी विलादत हुई थी और तमाम हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का छठी शरीफ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का करम हमारे इस देश पे रहता है और हमारे देश हिंदुस्तान में सरकारी महकमे के ज़रिए और ख़ुद प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस से उनकी मज़ार मुकद्दस पे चादर चढ़ाई जाती है और तमाम हिंदुस्तान के श्रद्धालु, मैं ये नहीं हिंदुस्तानी नहीं, मैं पूरे दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं से को मैं बताना चाहूँगा कि तमाम हिंदुस्तान के दुनिया के श्रद्धालु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में तशरीफ़ लेके जाके अपनी मन्नतें मुरादें और खराज अकीदत पेश करते हैं। ये हम हिंदुस्तान के लोगों की खुशकिस्मती है कि आपकी मज़ार मुकद्दस हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान में है। हम हिंदुस्तान के लोग जितना अपने मालिक और मुख्तार का शुक्रिया अदा करें कि इस हिंदुस्तान की धरती पे ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान को जो आले रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा के हसब व नसब से हैं, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आपको मदीने से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि आप जो है हिंदुस्तान जाइए और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान से कुफ्रियत और यहाँ से जो है नाइंसाफ़ी का आप खात्मा कीजिए। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजर से मदीना होते हुए भारत हिंदुस्तान की सरजमीन में अजमेर में आप तशरीफ़ लाए और अजमेर से आपने इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और आपने जो प्रोग्राम आयोजन किया ये किस तरह से प्रोग्राम किया, आपने किस तरह से मैनेज किया? ख्वाजा गरीब नवाज चिश्तिया के नाम से प्रोग्राम किए और ये कम से कम 3-4 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सब लोग मिल के करते हैं और हम लोग को इतनी खुशी है कि इसके ऊपर करते रहेंगे हमेशा और हर साल करते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम हर साल होना चाहिए हमारे साथ में और सबके मिल में होना चाहिए और उससे बाद में हमारे से जितना हो सकता है हमने हर साल करते रहते हैं। नाजिम से क्या प्लान है आगे? आगे भी जितना हो सकेगा हमने आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे इरफान भाई का वो है, दुआ है कि हम आगे करते रहेंगे और प्रोग्राम।